लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही मुख्यमंत्री की बैठकों में न जाने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कैबिनेट में पहुंचकर सबको चौंका दिया है। वहीं सियासी चर्चाओं पर भी विराम लगा दिया है। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। केशव के बदले मिजाज को दिल्ली में हुई पंचायत से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे उप मुख्यमंत्री की नाराजगी अब दूर हो चुकी है। केशव के साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी कैबिनेट की कई बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। वे भी मंगलवार की बैठक में शामिल हुए हैं। यही नहीं, केशव ने बैठक के बाद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बैठक में शामिल होने की जानकारी भी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शामिल हुआ। उन्होंने अपने साथ ब्रजेश पाठक के भी बैठक में शामिल होने की जानकारी दी है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से केशव की सरकार से खटपट चल रही थी। इसकी पुष्टि उन्होंने कई बार अपने बयानों से भी की थी। वे कैबिनेट की कई बैठकों में शामिल नहीं हुए थे, जिससे उनकी नाराजगी जाहिर भी होती रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में खूब ठहाके भी लगे। इसकी फोटो भी वायरल हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी ठहाके लगाते दिख रहे हैं। बैठक में सभी मंत्रियों के बीच हंसी मजाक के जरिए माहौल को सकारात्मक दिखाने की कोशिश हुई है। आपको बताते चलें कि सूत्रों के मुताबिक भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में बुलाई गई दो दिवसीय मुख्यमंत्री की बैठक शुरू होने से पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। दोनों नेताओं की अमित शाह से मुलाकात हुई थी। सूत्रों की माने तो पहले अमित शाह ने दोनों डिप्टी सीएम से बात की। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में यूपी के हालात पर चर्चा हुई है। दोनों डिप्टी सीएम ने अपने अपने पक्ष रखे। इस पर उन्हें आपस में मिलजुल कर काम करने के साथ ही 10 विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में जुटने को कहा गया है। सिर्फ यही नहीं, सूत्रों की माने तो सीएम योगी की किसी शीर्ष नेतृत्व से अकेले में मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने यूपी भवन में करीब एक घंटे तक सीएम योगी से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूपी के ताजा सियासी हालात पर चर्चा हुई है। सूत्रों का कहना है कि सीएम के भले ही शीर्ष नेतृत्व से अकेले में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बीएल संतोष ने सीएम के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा था। इसके बाद ही हाईकमान ने सभी नेताओं को सार्वजनिक रूप से बयानबाजी न करने की नसीहत दी थी। अब डिप्टी सीएम के मिजाज में ये बदलाव अमित शाह से मुलाकात का नतीजा भी हो सकता है। आपकी क्या राय है मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की और अहम खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।